लेक्चर्स इसमें भी। आइए दोस्तों एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये लेक्चर का पार्ट वन है जैसा मैं हर बार लिखता हूं, और ये है भी लेक्चर वन एक ब्रीफ रिव्यू रहेगा, और लेक्चर टू जो रहेगा आफ्टर नोट्स में इसको करूंगा डिटेल में। सो दोस्तों अब आइए दोस्तों, ये टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसमें बड़ा कम मैटर मिलता है। जब हम लोग खुद तैयारी करते थे तो पहले एक पब्लिकेशन डिवीजन की दोस्तों किताब आती थी, उसमें एक लेख था, कोई ड्यू की प्रोफेसर थी, उनका लेख था डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। उसके पास से कुछ और जगह मिला और यूपीएससी भी दोस्तों आया करता था, पर जब मैं पढ़ाने लगा तो इसको थोड़ा और सीखा तो मैं इस रूप में ढाला। ये जो मेरा रूप है वो फैक्चुअल टाइप का दिखेगा, लेकिन इसको आपको इसको समझाने के बाद इसको हम पैरा वाइज तोड़ देंगे तो बड़ी मदद मिलेगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के विकास की समीक्षा करें या वर्णन करें, तो इसमें हम लोग बात करेंगे या आलोचनात्मक वर्णन करें। अब आलोचनात्मक है उसमें ये भी बात होगी कि कहाँ तक रहा, क्या कमियाँ रही, ये सब बातें, पर नॉर्मली एक वर्णन वाला ही सवाल आता है, जैसा भी आए कंटेंट समझेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं। तो यहीं से दोस्तों पढ़ाई की शुरुआत होती है। एंशियंट इंडिया में एक मैंने गुप्तकाल पढ़ाया था, थोड़ा सा स्वर्णयुग वाला सवाल हल्की चर्चा, और फिर थोड़ा ये बता रहा हूँ क्योंकि दोनों बड़ा इस बार इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 66 के लिए उनको विस्तार से आगे भी होते रहेगा। अब देखिए इसको पढ़ने के लिए क्या तरीका है, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आइदर इन बीपीएससी और यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस, इसको कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं, फिर मैं लिखने का ही बताऊंगा। सबसे पहले एक भूमिका बना सकते हैं दोस्तों, फिर विभिन्न कालखंड और उसमें उसका क्या विकास रहा, और तीसरा रहेगा एक रिव्यू और उसका क्या एक हम निष्कर्ष डाल सकते हैं। मुश्किल से 50 लाइन लिखना है, इसके सारे तथ्य आप पीटी में भी जानते हैं, बस पढ़ने के तरीके से आपको जो सिस्टम बन जाएगा आपको बड़ी आसानी होगी, और बड़ा अच्छा अंक वाला ये टॉपिक है। जैसे इसी का जब आंसर आप लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा कि बीबीआई भी है, उसका एक भूमिका दोस्तों होगा, उसी का यहाँ पर विस्तार होगा, और उसी का फिर आप पाएंगे कि आगे समीक्षा और निष्कर्ष होगा। भूमिका में दो तीन पॉइंट्स को आप आधार बना सकते हैं, एक मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स भी छोड़ रखा है, इतिहास लेखन दृष्टिकोण। जैसा कि मैंने आपको गुप्तकाल के स्वर्णिम दोस्तों बताया था कि जब आधुनिक भारत में जब इतिहास लेखन किया गया तो अंग्रेजी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण यही था, या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण यही था कि भारत का एक ऐसी व्याख्या किया जाए जिसके चलते ब्रिटिश शासन को सही ठहराया जा सके, मतलब एक प्रकार का उपनिवेशवादी मानसिकता के तहत था। जैसे किसी को आप बताइएगा कि आप तुच्छ हैं, पिछड़े हुए हैं, तो वो अपनी व्यवस्था को आराम से स्वीकार करेगा। तो इसी प्रवृत्तियों से यहाँ पे जब एंशियंट के बारे में ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं या साम्राज्यवादी इतिहासकार लिखते हैं, तो ये लिखते हैं इतिहास लेखन दृष्टिकोण जो भारत के प्रति है कि प्राचीन भारत फकीरों का देश है, साधु का देश है, इनका विज्ञान तकनीकी में ऐसा कोई रुचि नहीं था, कोई ऐसा विकास क्रम भी नहीं था। तो इससे आप शुरुआत करेंगे तो आंसर का स्टाइल थोड़ा अलग रहेगा, एग्जामिनर प्रभावित होगा कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीक का विकास का पक्ष एक विमर्श का विषय है, और ये पक्ष एक प्रकार के इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ है, चूँकि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने इस बात की व्याख्या सकारात्मक न करके बल्कि नकारात्मक संदर्भ में की। लेकिन हम ऐसा पाएंगे कि वास्तव में अगर प्राचीन भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ, हम अक्सर बोलते हैं कि सभ्यता में भौतिक पक्षों की चर्चा होती है, और अगर हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता रही, वैदिक संस्कृति सभ्यताएं रही, या सभ्यताओं का जो व्यवस्थित विकास चला, तो ये तय है कि ये चीजें प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव है। विज्ञान क्या है? ज्ञान है। प्रौद्योगिकी क्या है? उसका व्यवहारिक इस्तेमाल है दोस्तों। इसी में आप पाते हैं, जैसे हम लोग एंशियंट इंडिया की बात करते हैं कि प्रारंभ से 8th century, तो ये क्या है? प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास का काल है, और हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो प्राचीन कांस्युगीन सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ सभ्यताओं में से है। अगर कोई हमारे पास श्रेष्ठ सभ्यता हो और वो विकसित हो, तो तय है कि उसमें प्रौद्योगिकी का भी निसंदेह इस्तेमाल हुआ रहेगा। ये अलग बात है कि इतिहासकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो पाश्चात्य इतिहासकार थे, इस एंगल से इसको जरूर लिखेंगे। पहला बात है इतिहास लेखन की बात, और दूसरा बात कि जो भारत में जो सभ्यताओं का विकास चला, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी दोस्तों विकास हुआ। फिलहाल इसी बात को फिर पैरा वाइज लिख लेंगे,
हर कालखंड में, जैसे आपने एंशियंट को मैं 7-8 खंडों में बांटता हूं, पहला प्राक इतिहास या पाषाण काल, दूसरा हरप्पा काल, तीसरा वैदिक काल, चौथा बौद्ध जैन काल, पांचवा मौर्य काल, छठा मौर्योत्तर काल, नेक्स्ट गुप्ता काल, फिर गुप्तोत्तर काल। हर कालखंड में विज्ञान तकनीक में क्या क्या चर्चा कर सकते हैं, आप इन चार बिंदु की चर्चा कर सकते हैं। मैंने क्रम जानबूझ के बनाए, इसे याद रहता है, प्लस टू में आप सुनते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो यहां भी लिख दिए भौतिकी रसायन गणित, आसानी तो सो रहेगा। देखिए ये तथ्य आप जानते हैं, पर जो प्रस्तुतिकरण है वो अलग दोस्त होता है, क्योंकि आपको क्लास में समझते हुए दोस्तों याद हो जाएगा, और फिर मेरा नोट्स भी होता है, आप ऐप पर भी चेक करिएगा, सीएमई के नोट्स कई जगह मिलते हैं, उसमें मेरी बड़ी भूमिका होती है। हम लोग करेंट में भी पूरा नोट्स को तैयार किए हुए, बस वेट करते कि कब से डेट आए और पूरा काम शुरू कर देंगे। हाँ, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो इंतजार हमसे करते रहिए, तब तक एग्जाम भी आ जाएगा, निश्चित रहिएगा। फिलहाल यहाँ पे फिजिक्स में दो क्षेत्र में बात कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र, और इसमें ऑस्ट्रोनॉमी को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो खगोलीय गणनाएं भौतिकी साथ से भी संबंधित है। केमिस्ट्री या जो धातु कर्म होता है उसको जोड़ सकते हैं, गणित में अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, इन सब का विकास एंशियंट इंडिया में दिखता है, और चौथा चिकित्सा है। तो सबसे पहले पढ़े कि किन पक्षों को देखना है, क्या देखना है दोस्तों, हर पार्ट में भौतिकी का क्या रहा, रसायन का क्या रहा, गणित का क्या रहा, चिकित्सा का। भौतिकी में दो क्षेत्र रहेगा यहां पर, देखिए कहीं सिविल और खगोल दोनों, जैसे गुप्त काल में देखिए दोनों पे बात है, तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या रहा और एस्ट्रोनॉमी में क्या रहा, ऐसी रसायन या धातु कर्म में क्या रहा, फिर गणित में अंगणित में क्या, रेखा गणित में क्या, बीज गणित में क्या विकास क्रम है, और फिर चिकित्सा शास्त्र में क्या विकास। पहले आप ये देखें कि हमको क्या क्या हर पार्ट में देखना है। अब जैसे इसी में विकास में पहला कालखंड आपने ले लिया, वो रखा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक का मतलब जानते होंगे, ऐसा कालखंड जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, सब कुछ पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता हो। अब जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे दोस्तों, आप सबने पढ़ रखा होगा, उसमें आप सोचेंगे तो फिजिक्स पे सोचिए, केमिस्ट्री पे सोचिए, मैथ्स पे सोचिए, आपका चिकित्सा पे सोचिए, तो वहां पे आपको मेनली बात ध्यान आएगा रसायन पे, रसायन या धातु कर्म पे। आप जानते हैं दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल में तीन कालखंड है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नौपाषाण, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उसी में अभी मैं शॉर्ट में बोला हूं, लेक्चर वन में तीन पार्ट में, पहले पार्ट में पाएंगे क्वार्टजाइट या स्फटिक के बने हुए टूल्स मिलेंगे, औजार मिलेंगे, दूसरे पार्ट में आप माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण उपकरण पाएंगे, और तीसरे कालखंड में आप पाएंगे जो उसमें स्लेट पत्थर के बने हुए औजार हैं। उसी में कुछ और धातु कर्म की बातें जिसको मैं आगे भी डिटेल में बोलूंगा कि कैसे पहले बेडॉल था और बाद में सुव्यवस्थित रूप से उपकरण बनने का निर्माण हो, और ये उपकरणों के बनने की निर्माण प्रक्रिया उनके जनजीवन से भी दोस्तों जुड़ा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो यहां पर आप पाएंगे कि जैसे वो पशुचारण से खेती तक जाएंगे, उनका उपकरण में बदलाव दोस्तों होगा। तो यहां पे उपकरण की चर्चा रसायन या धातु कर्म से दोस्तों जुड़ा होगा। तो आप लिखना शुरू करेंगे कि प्राचीन भारत के पहले कालखंड प्रागैतिहासिक काल में ही हम पाते हैं कि रसायन और धातु कर्म क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उपकरण तीनों कालखंडों में बन रहे हैं। उसके बारे में दो तीन लाइन आप लिख देंगे, पहले भूमिका लिख दी इस आधार पे कि जो बातें कही गई वो सही नहीं है, आगे इस बात को देख सकते हैं। दूसरा बोल देंगे कि सभ्यता का विकास इस बात का पहलू ही है कि हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी का विकास चला है। फिर जैसा मैं बोलता हूं कि आगे इसको ब्रांचिंग कर देंगे कुछ ऐसे जो हम बोलते हैं कि विभिन्न कालखंडों में क्या विकास था, कि एग्जामिनर समझ जाए कि इसको आ रहा है, फिर उसके बाद इसका वर्णन करेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए इसे बोर्ड बनाया ताकि आपको आसानी रहे, लिखते समय में आप इसको लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ दोस्तों नोट्स मिलेगा। फिलहाल इसी में आते हैं दोस्तों, अगला कालखंड फिर हरप्पा पे आइए। हरप्पा में देखिए चारों पार्ट में ले आते हैं क्या क्या हुआ। हरप्पा में सिविल इंजीनियरिंग में नगर की चर्चा दोस्तों कर सकते हैं। हरप्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। आप जानते होंगे मैंने कई बार पीछे बताया कि उसके टाउन्स में पहली विशेषता है दो पार्ट में बटा हुआ, पश्चिमी खंड और पूर्वी खंड। दूसरी विशेषता है उसका पश्चिमी खंड जो है फोर्टिफाइड है। तीसरा है सरके 90s पे कट करती है। तो ये आपने बोल दिया दो भाग में बटा हुआ, दूसरा पश्चिमी भाग दुर्गीकृत या फोर्टिफाइड, तीसरा सरके समकोण पे काटना, चौथा दरवाजे खिड़कियां पीछे गलियों में खुलना,
जल निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था, कच्ची ईंटों का प्रयोग, ये सब भी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से दोस्तों संभव है। जो इतनी सुव्यवस्थित नगर योजना है जिसकी तुलना आप मेसोपोटामिया और कई अन्य सभ्यताओं से दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिविल इंजीनियरिंग में नगर योजना की चर्चा विस्तार से की जा सकती है, उसमें भी आप एक दो पैरा खर्च कर सकते हैं अगर आपके पास मटेरियल की कमी हो। उसके बाद से रसायन में आप यहाँ पे बता सकते हैं, रसायन में या धातु कर्म में जो कांसा का जो दोस्तों औजार बन रहा है, कांसा आप जानते हैं तांबा और टीन मिला के दोस्तों बनता है, उसके औजारों की चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद से गणित में ईटों का जो आकार है 4:2:1 आकार का है, या जो माप तोल में 8:16 जो 32 के गुणज हैं, ये भी गणित के प्रमाण हैं। उसी तरह से आगे आते हैं, चिकित्सा में से कुछ खास बात नहीं दिखता है। तो आप हड़प्पा काल में थोड़ी सिविल इंजीनियरिंग की चर्चा, कांसे के औजारों की चर्चा, और फिर ईट और माप के तौल के माध्यम से गणित की बात। ऐसी आप आ जाएंगे वैदिक काल में, तो वैदिक काल में आप भौतिकी में खगोल शास्त्र में आप लगध मुनि आप पढ़ते हैं, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष की चर्चा कही जाती है। उसी तरह से आप आते हैं धातु कर्म में, जो रंगाई की क्रियाएं हैं, चर्मकारी है, और उत्तर वैदिक काल से लोहे के उपकरण भी दोस्तों बनने लगते हैं। ऐसे ही गणित में जो शुल सूत्र दोस्तों बोलते हैं सूत्र साहित्य में, तो शुल सूत्र में रेखा गणित का जुड़ाव है, और जो यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण की दोस्तों बात की गई है, चर्चा विस्तार से आगे भी होगा। और फिर आगे आएंगे वैसे ही अथर्ववेद में चिकित्सा शास्त्र संबंधी बातें हैं, और अश्विन को चिकित्सा का दोस्तों देवता भी माना जा रहा है, मतलब चिकित्सा क्षेत्र में उनकी रुचि आ रही है। इसी में आगे आ जाएंगे तो आएंगे दोस्तों मौर्य पूर्व काल, या जिसको जैन बौद्ध भी काल कहते हैं। इसमें आप सब ने पढ़ रखा होगा, खासकर चिकित्सा में जीवक का नाम याद करिए, जो बिंबिसार से थे, बिंबिसार के समय के थे, जो कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए आते हैं, जिनको पीलिया या जॉन्डिस रोग हो रखा था। तो इस बात की चर्चा चिकित्सा क्षेत्र के विकास क्रम का दोस्तों सूचक है। इस तरह से आ जाइए मौर्य काल में, तो हर कॉलम वाइज ही आपको अपने नोट्स की सिनॉप्सिस ऐसे बना सकते हैं, लिखते समय पैरा वाइज लिखिए कि मौर्य काल में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये हुआ, धातु कर्म के क्षेत्र में ये हुआ, विज्ञान रसायन में क्या हुआ, तो आप ऐसे लिखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, रटने में या समझाने मुझे ऐसे आसान नहीं, क्योंकि फैक्चुअल टॉपिक है, कुछ विस्तार आगे भी करूंगा पार्ट टू जब करवाएंगे, जब आपको नोट से पढ़ लिए रहेंगे। यहाँ पे मौर्य काल में सिविल इंजीनियरिंग में घेरदार कुएं जो है दोस्तों वो, या जो नहर बन रहे हैं, ये सब सिविल इंजीनियरिंग या भौतिकी का प्रयोग का सूचक है। ऐसे ही आप आएंगे चिकित्सा क्षेत्र में, अशोक ने सार्वजनिक कल्याण के लिए कई चिकित्सालयों का भी निर्माण करा, ये भी आप चर्चा कर सकते हैं। ऐसे ही आ जाइए मरुत्तर काल में, तो यहाँ पे नागार्जुन को याद करिए, उस समय के बौद्ध दार्शनिक हैं, तो वहाँ पे उनका सापेक्षता सिद्धांत जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो कहा जाता कि आइंस्टीन से पहले भी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो नागार्जुन ने भी कह रखा था। बंदरगाहों का भी निर्माण में भी कई साइंटिफिक सिविल इंजीनियरिंग का प्रयोग दोस्तों है, ये चर्चाएं कर सकते हैं। ऐसे ही आपको चिकित्सा में चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, चरक औषधि के बारे में, और सुश्रुत जो है वो शल चिकित्सा के मामले में, उसकी चर्चा करते हैं। आप खुद सोचिए कितना आराम से हर पैरा वाइज आप आराम से 50 लाइन लिख सकते हैं, और बहुत ईजी है, बस तरीका ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड्स इसी में आ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो गुप्त काल में आ जाए। गुप्त काल में कई बार आपको गुप्त काल पे स्पेशलाइज भी पूछ देता है, गुप्त काल में कला विज्ञान साहित्य दर्शन आदि की चर्चा करें, तो वहां भी ये नोट्स आपको काम आ जाएगा। बस इस पार्ट के लिए चर्चा आगे करेंगे विस्तार से। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत है, जिसमें बोलते हैं कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी इसका चक्कर लगाता है। वराहमिहिर का भी सिद्धांत है, जिसमें कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मगुप्त का आप जानते ही हैं, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की बात ब्रह्मगुप्त कहते हैं, तो आप तीनों की चर्चा कर सकते हैं। इधर आप रसायन में महरावली के स्तंभ की बात कर सकते हैं, इसमें मैग्नीज ऑक्साइड कहा जाता है कि है, और उसकी जो आज तक जंग नहीं लगा है ये उस समय की श्रेष्ठता का सूचक है, और इस बात का जो प्रयोग वाली बात है। परमाणुवाद की परिकल्पना भी कणाद द्वारा दोस्तों की जाती है, ये एक चर्चा कर सकते हैं। ऐसे ही अंग गणित में जो शून्य के आविष्कार की बात भारत से दोस्तों जोड़ा जाता है, दशमलव जो पद्धति है उसको भी दोस्तों जोड़ा जाता है। रेखा गणित में आर्यभट्ट को त्रिभुज के क्षेत्रफल से और ब्रह्मगुप्त को चतुर्भुज के क्षेत्रफल से जो दोस्तों जोड़ा जाता है, वैसे ही जो बीज गणित में जो पाई का मान है उसकी भी दोस्तों चर्चाएं की जाती हैं। तो यहाँ पे अंग गणित में शून्य या दशमलव की बात, रेखा गणित में त्रिभुज और चतुर्भुज की बात, बीज गणित में जो पाई के मान की बात है, ये भी गणित संबंधी दोस्तों उपलब्धियों के रूप में
देखा जा सकता है, जो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। इसी में आप आ जाएंगे चिकित्सा क्षेत्र में, तो शालिहोत्र ने अश्वशास्त्र लिखा है जो घोरों के घोरों से संबंधित है, घोरों के इलाज, घोरों के स्वास्थ्य संबंधित है। और वैसे ही पालकप्य ने हस्तायुर्वेद लिखा है, हाथियों के चिकित्सा विज्ञान संबंधित ग्रंथ लिखा है। दोस्तों इस पर आपको प्रॉपरली पैरा वाइज आपको लिखा भी मिलेगा, बस मैं आपको एक शैली समझाना चाह रहा था कैसे आप फाइनली आप समीक्षा में लिख सकते हैं कि इस प्रकार देख सकते हैं कि जिन जिन कालखंडों में एक प्रकार की साम्राज्यों में सुव्यवस्था आती है उस समय विज्ञान तकनीकों का भी विकास ज़्यादा है, और जब जब भी आर्थिक विकास और अन्य विकास ज़्यादा है तो इन प्रौद्योगिकों का विकास भी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और इन सभी क्षेत्रों में चाहे वो भौतिकी हो, रसायन हो, धातु कर्म हो, गणित हो, चिकित्सा, इन सब में विकास इस बात का सूचक है कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने यह बात कहा कि भारतीयों में विज्ञान तकनीक के प्रति रुचि नहीं है या प्रौद्योगिकी विकास नहीं था, वह एक गलत धारणा है। और भारतीयों का सभ्यताओं का सुव्यवस्थित विकास चला और वो निरंतर आगे बढ़ता रहा। यह अलग बात है कि जब ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिशर्स ने उपनिवेशी मानसिकता के तहत भारत में प्रौद्योगिकी विकास को अवरुद्ध किया और उसकी खामी हम लोग आज तक भी भुगतते रहते हैं। पर प्राचीन काल में प्रौद्योगिकी का यथासंभव विकास होता रहा और हमारी सभ्यता कई रूपों में दोस्तों श्रेष्ठ भी थी। आइए एक दो मिनट इसको रिकॉल कर ले, फिर इसको जब आपको नोट्स मिल जाएगा तो फिर मैं विस्तार से इसको और समझाऊंगा ताकि कई आयामों से उसका विश्लेषण करेंगे। मैं शुरू से बोलता हूं कि इतिहास के विकास क्रम को अगर कोई राजनीति का टॉपिक है उसको समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से जोड़िए। विज्ञान तकनीक को भी आप चाहेंगे तो उस दौर के दर्शन से, धर्म से, कला से, समाज से और अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, सबसे दोस्तों जोड़ सकते हैं। और जब वो विश्लेषण जोड़ते हैं और तुलनाएं अन्य कालखंडों से करते हैं तो बड़े अच्छे अंक आते हैं। अंक लाने के लिए बहुत ज़रूरत है कि आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखें। मैं अक्सर कहता हूं कि आपका एक मेथड होना चाहिए जो होना चाहिए आप वर्टिकल पढ़ाई कर किसी टॉपिक के गहराई में जाइए और एक हॉरिजेंटल भी मतलब अन्य टॉपिक से दोस्तों तुलनाएं करिए। तो लास्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए फिर पार्ट टू विस्तार से करेंगे। इतिहास लेखन दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है लेकिन ये बात सही नहीं है, विकास क्रम होता रहा है। सभ्यताओं का विकास दोस्तों चला इस बात का सूचक है, चाहे हड़प्पा हो, वैदिक हो और अन्य सभ्यताएं हो। हर कालखंड को 6-7 कालखंड में पैराबाइज लिख सकते हैं, भौतिकी में क्या हुआ, रसायन में क्या हुआ, गणित में क्या हुआ और चिकित्सा में दोस्तों क्या हुआ। और उसी में जैसे प्रागैतिहासिक काल में उपकरण के स्तर पर रासायन धातु कर्म की चर्चा कर सकते हैं, हड़प्पा काल में नगर योजना के स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग की चर्चा कर सकते हैं, धातु कर्म के स्तर पर कांस्य औजारों की बात कर सकते हैं। इस तरह से हर कालखंड में जो चारों क्षेत्र में विकास हुआ इसकी बात दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स में हम लोग बहुत व्यवस्थित अपडेट आ चुका है तो पूरे डिटेल फॉर्म में हर टॉपिक से बात करेंगे, जिसका मेरा शुरुआत होगा दोस्तों विश्व इतिहास से। हालांकि मैंने आपको थोड़ा गुप्त काल का स्वर्णयुग बताया, एक दिन सामंतवाद बताया, थोड़ा भी विज्ञान तकनीक बताया, एक दिन अर्थव्यवस्था विकास, और इतना काफी रहता किसी को समझने और बूझने के लिए। ऐसे कोई समय नहीं है, आप बूझिए ना बूझिए। हम लोग अब आगे वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट कर देंगे, जो लोग हम लोग से सिर्फ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।